तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हल्के मात्रा और आप सब लोग देख रहे हैं टीएलडी बॉयस व्लॉग। आज 18 फरवरी है, महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोग को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज सासाहोली से महाकाल सेना के द्वारा एक रैली निकलेगा, भव्य रैली निकाला जा रहा है और इस रैली की शोभा बढ़ाने के लिए डीजे जंगल को बुलाया गया जो कि रायपुर से है। तो अभी मैं वहीं के जा रहा हूँ सासाहोली के लिए, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए व्लॉग में और देखिए हमारा टीएलडी बॉयस व्लॉग। आप सभी को महाराष्ट्र महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े शंकर भगवान की जय, भगवान की जय। बड़ी खुशी की बात है, हर हर महादेव की भांति इस वर्ष भी हमारे शंकर भगवान जी की बारात सासाहोली से निकलती है और मैं सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जो शंकर भगवान की बारात में सब शामिल होकर एक रैली के रूप में धूमधाम से रैली निकालते हैं। आज इस पर्व के पावन अवसर पर हमारे बीच में राज्यसभा के पूर्व सांसद हमारे बीच उपस्थित हुई है। मैं उनसे चाहूंगा इस अवसर पर दो सदस्य है श्रीमती वही करता हूँ क्षेम करता हूँ शंकर भगवान की। आज के इस रैली में उपस्थित सभी शंकर भगवान के बराती बन के दो रैली को आगे ले जाएंगे उनके अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सबके मन में इसी तरह ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बने रहे और आप लोग रैली का आयोजन करते हैं निश्चित रूप से आप सब अभी शंकर भगवान के गण के पूरे तिलदा नगर में घूमेंगे, लेकिन शंकर भगवान की तरह आप सबको जहर पीना है, मतलब जो बुराई है उसको छोड़ना है और अच्छाई को अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि डीजे क्या मस्त बज रहा था और 4 बजे का टाइमिंग था रैली स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन अभी रात हो गया है आप देख सकते हैं पूरा। तो हम लोग जा रहे हैं सामने में रैली की तरफ और जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोग को दिखाएंगे कितना भीड़ हो रहा है, कितना सब लोग आते हैं सब देखेंगे। अभी तो फुल मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, डीजे में नाचेंगे और आपको पूरा तिल्ला शहर घुमाएंगे और ये रैली का जो एंड पार्ट होगा वो भैरवगढ़ धाम में होगा। तो चलो देखते हैं रैली स्टार्ट। हाँ गाइस, एक बात तो भूल गया, रैली को पूरा अच्छे से संभालने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स का भी सहायता लिया गया है। महाकाल सेना सासाहोली ये तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो डीजे की तरफ चढ़ते हैं, नाचते गाते हैं और रैली को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं शंकर भगवान जी का रथ आगे जा रहा है, बारात निकलना स्टार्ट हो गया है। क्या गजब का लग रहा है, मूर्ति पूरा सेटअप बहुत ही बढ़िया गजब का लग रहा है, एक नंबर। तो चलिए शंकर भगवान जी के बारात पे नाचने चलते हैं। Come on,
डीजे कई गजब बज रहा है गाइस, सब लोग फुल मौज कर रहे हैं, फुल डांस कर रहे हैं, यहाँ पर पटाखा लेके जाएंगे। डीजे ऑपरेटर भी बहुत ही डांस करने को जा रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रैफिक को साइड कराया जाएगा। पूरा लास्ट तक गाड़ियों का जमावड़ा लग चुका है, जब तक रैली उस मोड़ से निकल नहीं जाती तब तक ये लोग रुके रहेंगे। और यहाँ बस गाड़ी के सामने में मैनेजमेंट टीम और इस रैली के जो भी सदस्य 5 लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बस यहाँ पर सारे गाड़ियों को रुका दिया गया है क्योंकि अब रैली निकलेगा। डीजे को इस रास्ते से निकालना है लेकिन सामने में गाड़ी खड़ा है, अब इसको हटाया जाएगा फिर डीजे अंदर जाएगा, ऐसे में नहीं जा पाएगा। अभी इस गाड़ी को साइड किया गया है धक्का देकर। अब डीजे इस छोटे से रास्ते से निकलकर इधर से गोकुल धाम की ओर जाएंगे, फिर गोकुल धाम से आगे श्रद्धा चौक, फिर मौली मंदिर की तरफ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे लोग भी डांस कर रहे हैं। ये देखिए गाइस गजब का कारनामा, गजब का कारनामा, हाथ में पकड़ के मोड़ रहे हैं। कोई दूर हट भी नहीं रहे और पास पास में खड़े हैं। देखो गाइस मुझे क्या मिला, गांजा। ये मौली मंदिर के पास पहुंच चुका है। We'll be right back.
में बस इतनी कृपा करना मेरा ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। कथाओं में भी उल्लेख है इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है। Everybody's hands up in the air. Happy and clap.
ताली 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 बस 10 कदम के बाद खूबचंद बघेल चौक पहुंच जाएगा डीजे और यहां पर गाइस डीजे अभी दीनदयाल चौक पहुंचने वाला है जस्ट, और हम लोग खड़े हैं दीनदयाल एकदम सेंटर चौक पे खड़े हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे हमर दिल्ला नेवरा भाई, महाकाल सेना सासावली के अध्यक्ष भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्री महाकाल भाई, जय महाकाल। हमारे बीच यहाँ पे आदरणीय हमारे बड़े भैया सिंधा नेवरा वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद श्री विकास कोटवानी जी पधार चुके हैं, तालियों से उनका स्वागत किया गया है। तालिया, तालिया। हमारे महाकाल परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है इस महाकाल
महाशिवरात्रि की भव्य शोभा यात्रा पे हम महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को तहे दिल से करते हैं। महाकाल परिवार आपका हार्दिक शुभकामना करता है। यहाँ पास किसी को चढ़ गया है गाइस। चढ़ने का मतलब उनके अंदर माता आ गई है। अरे भाई गांजा पिला रहे हैं उनको, पानी मंगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले लाल कलर की चूड़ी मंगा रहे थे। जो डरता ये हो जाए। हमारे बीच का उपस्थित आदरणीय बड़े भैया राम पंजवानी जी और हर साल सहयोग करते हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया हमारी महाशिवरात्रि की भव्य रैली पे। बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है हर साल। क्या बोलते हैं डीजे भी सुभाष चौक के पास पहुंचा है, नेवरा का सुभाष चौक में।
गाइस डीजे जंगेल संत कवरराम चौक में पहुंच चुकी है। माँ का सीना सासावली के द्वारा निकला है ये रैली। संत कवरराम चौक में जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। तो गाइस इस रैली का समापन भैरवगढ़ धाम में होना था, जो कि हम लोग भैरवगढ़ धाम पहुंच चुके हैं। तो अब समापन का कार्यक्रम थोड़ा शुरू हो चुका है, थोड़ा फटाका वटाका फोड़ेंगे, उसके बाद समापन करा जाएगा। तो आप सभी को मैं हमारे इस ब्लॉग पे बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, अभी के लिए टाटा बाय बाय। समाप्त।